हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा स्नैक्स, जिसे हमने बनाया है साबुदाने और सोया बड़ी से। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया हुआ है सोया बड़ी 100 ग्राम। आप किसी भी साइज़ के सोया बड़ी ले सकते हैं, छोटे या बड़े। इन्हें हमें गर्म पानी में भिगा देना है आधे घंटे के लिए। तो इसे अच्छे से दबा करके चारों तरफ से हम मिला देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आधे घंटे में देखिए अभी अच्छे से फूल गए हैं, इनमें बहुत ही अच्छे से पानी भर गया है। अब इन सोया बड़ियों को हम इस तरह से दबा करके निचोड़ लेंगे। पानी सारा हमें अलग कर देना है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें डाल करके हम इसे पीस लेंगे। देखिए हमने सोया बड़ी का पेस्ट बना करके तैयार कर लिया हुआ है। अब लेंगे 100 ग्राम साबुदाना, किसी भी साइज का साबुदाना ले सकते हैं। इसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। इसे हमें बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है, ऐसा पीसेंगे कि ये थोड़ा सा दरदरा ही रहे, थोड़े से बड़े बड़े इसमें दाने भी रहें। तो मिक्सर को स्वीप कर करके अगर पीसेंगे इस तरह से दरदरा ये पीस जाएगा। अब इस साबुदाने के पाउडर को हम सोया बड़ी वाले पेस्ट में मिला देंगे, साथ ही में इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज, 3-4 हरी मिर्चें काट करके, धनिया की पत्ती और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। सोया बड़ी में ही इतना पानी है कि उससे बहुत ही अच्छे से हमारा ये डो बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए डो हमने बना लिया हुआ है। अब इस तरह से हम शेप देते हुए नगलेट का शेप देंगे। इस तरीके से हमें बना बना के रख लेना है। इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ग्रेट करके चीज़ डाल देंगे। आप चीज़ के अलावा यहाँ पे पनीर या फिर उबली हुई सब्जियों का भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को हमें ग्रेट कर लेना है। देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रेट हो गई है और लच्छे की शक्ल में हो गई है। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हथेली पे हम डो पी लेंगे और चपटा कर लेंगे और ग्रेट किया हुआ चीज़ इसमें अंदर डाल करके और फिर इसे बंद कर देंगे। इसे अच्छे से बंद करिएगा वरना फ्राई करते हुए ये बाहर निकल आएंगे। इस तरह से नगलेट की शेप में हम बना लेंगे। अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो 5-6 नगलेट हम डाल देते हैं और एक साइड होने के बाद ही हम इन्हें पलटेंगे। तो देखिए एक तरफ से ये गोल्डन हो रहे हैं, अब इन्हें हम पलट देंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, बहुत ही हाई फ्लेम पे नहीं इन्हें हमें फ्राई करना है। और बीच बीच में ऐसे 1-2 बार चला करके पलट लेंगे ताकि सब तरफ से हो जाए। तो देखिए ये बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। सारे नगलेट हमने फ्राई कर लिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया नगलेट बने हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं और अंदर से तोड़ के देख लेते हैं। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये स्नैक्स है। एक बार आप बनाएंगे तो फिर जानेंगे कितना अच्छा इसका टेस्ट होता है। बार बार बनाने का मन करेगा और इसकी डिमांड भी बार बार होगी। खाने में ये तो बहुत ही टेस्टी होता है। आप टी टाइम स्नैक के रूप में या नाश्ते में या फिर मेहमान आ जाए फिर इसे बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।